हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज मैं आपके सामने जो सेशन लेकर आया हूँ तो बहुत ही छोटा सा क्यूट सा सेशन है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर सीए फाइनल लॉ पेपर, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर सीए फाइनल ऑडिट पेपर। ये बात करेगा सेबी एलओडीआर की कमिटीज़ की, ठीक है। एज यू सी ऑन द स्क्रीन, ये पूरी कमिटीज़ के सामने समरी बना रखी है मैंने। अब जब आप पढ़ रहे होंगे, जब आप रिविजन करेंगे, मे बी सेकेंड थर्ड रिविजन, या अगर आप कहीं वॉक पे जा रहे हो तो ये वीडियो वाला सेशन सुन लीजिएगा, मतलब वीडियो ऑफर के ऑडियो सुन लीजिएगा, तो क्या इससे रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि सेबी एलओडीआर अपने को ऑडिट में भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले चैप्टर में एलओडीआर अपने को सेबी लॉ में भी है। तो मोटा मोटे के मैं मान लूँ 2 से 4 मार्क के आसपास का ये पूरा ये समरी जो सामने है वो कैरी करेगा आपके लिए ऑन 200 मार्क्स पेपर। क्यों? आपको डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है, केस बेस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ऐसे ही आई विल बी कमिंग अप लाइक फ्यू फ्यू छोटे छोटे सेशंस, जहाँ पर स्मॉल स्मॉल फ्यू सेशंस, जहाँ पर एक क्विक रिकैप मिल जाएगा आपको पूरे कॉन्सेप्ट का। तो आपको पूरा वो वीडियो देखने का जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ लग रहा है कि आईसीआर कैन टेस्ट यू ऑन द एमसीक्यू एंड द केस क्वेश्चंस, आई विल बी ब्रिंगिंग अप सच स्मॉल वीडियोस, ठीक है। अच्छा, लॉ का नया वीडियो अवेलेबल हो गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट लेट्स लर्न इंडिया डॉट इन और 8448448919, सॉरी। एंड इको लॉ बाबू 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 एंड इको लॉ इज ऑल्सो गेटिंग रिकॉर्डेड, तो वो भी अवेलेबल हो गया, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑफिस, ठीक है। एंड फास्ट ट्रैक वुड बी लॉन्च्ड, लाइव होगा फास्ट ट्रैक लाइव एट होम, प्रोबेबली टेंटेटिव डेट्स जुलाई में है ऑडिट, जुलाई में ऑडिट, एंड ऑगस्ट में विल बी डूइंग इट, लाइक अराउंड पोस्ट रक्षाबंधन इन ऑगस्ट विल बी डूइंग लॉ। तो इट विल बी लाइव एट होम बैच, सो इट्स अ हिंदी इंग्लिश मिक्स बैच, मतलब नॉर्मल जैसे अपन पढ़ते वैसे वाला, ठीक है। सो आप उसको अटेंड कर सकते हो। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑफिस 8448448919, ठीक है। अब ये कमिटीज़ क्या है सर? सर ये कुछ कमिटीज़ हैं मेरे पास सेबी एलओडीआर में, लॉ में भी, ऑडिट में भी है। सो पहले मैं बात करता हूँ ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी मेरे को 177 की है, 177 में भी है। वहाँ पर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बैठते हैं, आउट ऑफ विच मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। गाइज, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। अच्छा, जो चेयरपर्सन होगा ना सर, जो चेयरपर्सन होगा वो कौन सा होना चाहिए? मैंडेटरी आईडी होना चाहिए सर। आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडी मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर ये लोग साल में कितनी बार मिलेंगे? सर साल में लोग मिलेंगे 4 बार। सर मीटिंग में गैप कितना होना चाहिए? मैक्स 120। जो बोर्ड का होता है वही सेम पॉइंट है। सर कोरम क्या होगा? 1/3 or 2, 1/3 or 2, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 2 आईडी, 1/3 or 2, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 2 आईडी, 1/3 or 2, विच एज हायर सब्जेक्ट टू 2 आईडी, ये मेरा कोरम होना चाहिए। सर इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ऑल द मेंबर्स, ऑल मतलब सर सब, सब मतलब सब 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 मेंबर शुड बी फाइनेंशियल रिलेटेड, जिसमें से एक 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 कैसा होना चाहिए? प्रो होना चाहिए। कौन सा? एफ आर एस एफ एम का, एस एफ एम या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर अकाउंटिंग का एक्सपर्ट। इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। हाँ, इनकेस अगर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स है, बच्चों क्या है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर्स, देन ऑल शुड बी आई डी। क्या बोलोगे बच्चों? ऑल शुड बी आई डी, ऑल शुड बी आई डी। तो ये मेरा है ऑडिट कमेटी। सो मिनिमम 3 out of which 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 66.67। अगर ऐसा रही है इसका तो ऑल मतलब 100% शुड बी आई डी। चेयरपर्सन हमेशा आई डी रहेगा इसका, 4 बार मिलेंगे, मैक्स गैप 120 डेज होना चाहिए, कोरम 1/3 to विच इज हाई सब्जेक्ट टू 2 आईडी, सारे मेंबर्स पढ़े लिखे होने चाहिए, एंड इसमें से एक प्रो होना चाहिए, मतलब मेरा कौन? एफ आर एस एफ एम का प्रो, एग्जामेशन वाला स्टूडेंट, मतलब डायरेक्टर। सर एनआरसी नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी, सर वहाँ पर कितने लोग? वहाँ पर भी 3 लोग बैठने चाहिए, पर ऑल कौन होने चाहिए? ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। तो देखो 3 डायरेक्टर्स ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव एंड 50% शुड बी आईडी, 50% शुड बी, बाजू में 66.67 था, यहाँ पर 50% शुड बी आईडी। चेयरमैन आईडी होएगा, तो चेयरमैन अभी भी आईडी चल रहा है। अच्छा सी, जनरली सबका आईडी होता है, जो अलग है वो याद कर लो, जो अलग है वो याद कर लो। सर साल में कितने बार मिलेंगे? वंस इन ईयर। कोरम कितना होगा? 1/3 or 2 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 1 आईडी, 1/3 or 2 विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू 1 आईडी। अच्छा, जो कंपनी का नेता है, कंपनी का जो चेयरपर्सन है, वो इसका नेता नहीं बन सकता, इसका चेयरपर्सन नहीं बनता, पर इसका सेनापति बन सकता है। मतलब कंपनी का जो चेयरमैन है वो इस कमेटी का चेयरमैन नहीं बन सकता, पर वो इसका मेंबर जरूर बन सकता है, मेंबर जरूर बन सकता है। अच्छा, अगर एस आर ई एस हो तो 2/3 शुड बी आई डी। कैसे याद करोगे? ऑडिट कमेटी और बड़ी कमेटी, ऑडिट कमेटी बड़ी कमेटी ना, अपने सी एल ओ के तो बड़ी कमेटी होती है, तो ऑल शुड बी आई डी अगर एस आर ई एस हुआ तो, सुपीरियर आई इक्विटी शेयर्स। अगर एन आर सी हुआ तो सर कितना? 2/3 शुड बी आई डी, 2/3 शुड बी आई डी। किसमें? एस आर ई एस के केस में, तो 100% देन 2/3, 66.67 हो जाएगा वहां पर। सर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप करने, सेम पॉइंट, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स और कुछ नहीं है। आईडी कितना चाहिए? एक आईडी चाहिए, तो वहां पर कितना था? 66.67, वहां था 50%, यहां पता है 1 आईडी, 1 आईडी। सो धीरे धीरे कम हो रहा है, 2/3, 50%, 1, आगे 0 मिल जाएगा, 0 आईडी है।
सॉरी एक ही है सॉरी, वो जीरो पहले हुआ करता, वो एटलीस्ट वन आइडिया आ जाएगा। चेयरपर्सन कौन होगा इसका? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आईडी नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव। सो इन दोनों में चेयरमैन आईडी है, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। साल में एक बार मिलेंगे, कोरम के बारे में कुछ नहीं है। दिस कमिटी विल लुक इन टू द इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, ठीक है, एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज। एंड इसमें भी वही सेम, अगर एस आर ई एस है तो टू थर्ड शुड बी आईडी। अगर आप देखोगे सारी कमिटी में टू थर्ड शुड बी आईडी, अगर एस आर ई एस होता है तो, अगर एस आर ई एस होता है तो टू थर्ड शुड बी आईडी। खाली खाली ऑडिट कमेटी में क्या बोलते हैं अपन, ऑल शुड बी आईडी। सर आरएमसी किसको एप्लीकेबल है? सर आरएमसी में भी तीन लोग बैठेंगे जिसमें से मेजॉरिटी बोर्ड के लोग होने चाहिए, मेजॉरिटी बोर्ड के होने चाहिए, उसमें से एक आईडी होना चाहिए। सर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच मेजॉरिटी शुड बी बोर्ड, उसमें से एक आईडी होना चाहिए। सर साल में कितनी बार मिलने चाहिए? एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर, एंड मैक्स गैप 180 डेज, ट्वाइस मैक्स गैप 180 डेज। सर चेयरमैन कैसा होना चाहिए? सर चेयरमैन इसका होना चाहिए मेंबर ऑफ बोर्ड। तो ये गिर रहा है, आईडी नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ बोर्ड, आईडी नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द बोर्ड। सर कोरम क्या इसका? वन थर्ड टू विच इज हायर सब्जेक्ट टू वन आईडी, वन थर्ड और टू विच इज हायर सब्जेक्ट टू वन बोर्ड। सिमिलर है, सेम नहीं है, वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा। सर सीनियर एग्जीक्यूटिव में भी है मेंबर, जैसे बोला ना कि मेजॉरिटी शुड बी बोर्ड, तो बाकी लोग कौन हो जाएंगे? सर अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सर इट्स एप्लीकेबल किसको? सर टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी। सर टॉप 1000 कैसे निकालना है? एज पर मार्केट कैप। टॉप 1000 कैसे निकालना है बच्चों? एज पर मार्केट कैप एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, दो लोग को एप्लीकेबल है खाली। टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, एंड हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। तो ये मेरा समरी है, ये मेरा समरी। सर अगर एस आर ई एस हुआ तो टू थर्ड शुड बी आई डी, अगर एस आर ई एस है तो टू थर्ड शुड बी आई डी। सो एस आर एस का पॉइंट कॉमन है सब जगह पर, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, ठीक है। सो जिनने भी एक चैप्टर रिवाइज कर रखा है एलओडीआर का, पढ़ रखा है आपने कहीं से भी, तो ध्यान रखना ये आपको कमिटीज काम आएगी फटाफट रिकॉल करने के लिए। एक बार क्विक स्नैपशॉट लेते हैं। सर ऑडिट कमेटी जिसको चाहिए फोटो खींच लेगा, बड़ा पीडीएफ नहीं इसका, फोटो खींच लेगा, इतना सा तो पेज है खाली। सर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच टू थर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन होना चाहिए आईडी, साल में चार बार मिलेंगे, मैक्स है 120 डेज, कोरम मंथ और टू विच इज आई सब्जेक्ट टू टू आईडी, ऑल मेंबर शुड बी फाइनेंशियल इयर, एक प्रो होना चाहिए एफ आर एस एफ एम का, एप्लीकेबल टू ऑल। अगर एस आर एस हो तो ऑल आईडी। एनआरसी में क्या बोलते हैं? सर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट 50% शुड बी आईडी, ठीक है। चेयरपर्सन आईडी होना चाहिए, दे शुड मीट एटलीस्ट वन सीनियर। सर कोरम क्या है? वन थर्ड टू विच इज आई सब्जेक्ट टू वन आईडी, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी बट दे कैन बी मेंबर ऑफ दिस कमिटी, एप्लीकेबल टू ऑल। अगर एस आर ई एस हो तो टू थर्ड शुड बी आईडी, टू थर्ड शुड बी आईडी। एस आर सी मिनिमम थ्री लोग बैठेंगे पर एटलीस्ट एक आईडी चाहिए मुझे खाली, एक आईडी। चेयरपर्सन कौन होगा? सर खाली नॉन एग्जीक्यूटिव बात करेंगे। सर साल में एक ही बार मिलेंगे लोग, कोरम के बारे में कुछ बोला नहीं गया। सर ये एस आर सी मतलब क्या? इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स देखेंगे, अगर एप्लीकेबिलिटी सबको है एंड टू थर्ड शुड बी आईडी, टू थर्ड शुड बी आईडी। आरएमसी, आरएमसी में क्या होगा? सर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी शुड बी बोर्ड एंड एक आईडी चाहिएगा। अच्छा बाकी कौन आएगा? सर मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ बोर्ड, मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ बोर्ड। सर चेयरपर्सन कौन होगा? मैंडेटरी मेंबर ऑफ द बोर्ड होना चाहिए। सर साल में कितने बार मिलेंगे? दो बार मिलेंगे, मैक्स गैप 180 डेज, मैक्स गैप 180 डेज। कोरम वन थर्ड और टू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब्जेक्ट टू वन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर सीनियर एग्जीक्यूटिव में भी अदर मेंबर्स एंड किसको एप्लीकेबल? टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज एंड 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 हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। सर अगर एस आर ई एस है तो सर टू थर्ड शुड बी आई डी, अगर एस आर ई एस हुआ तो सर टू थर्ड शुड बी आई डी, टू थर्ड शुड बी आई डी। फिनिश, ठीक है। सो गाइस डू फॉलो द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स एंड अदर ऑडिट और लॉग से रिलेटेड जो भी आपको रिविजन मिलते रहेंगे इस चैनल पर, एंड ऐसे रिवाइज करते रहिए। जितनी बार रिवाइज हो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। एमसीक्यू में खेला होबे, एमसीक्यू में खेला होबे, ठीक है। चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ विच इज कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड, अब की बार नवंबर पर, अब की बार नवंबर पर। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय।